दीपांशु, ये पूजा तुम लोगों के साथ लंच नहीं करती है क्या? और लंच के टाइम पर कहाँ चली जाती है? पता नहीं मैम, इस बारे में तो मैं भी काफ़ी दिन से देख रहा हूँ, लंच टाइम पे कहीं चली जाती है ये। मुझे तो लगता है मैम कुछ गड़बड़ है, कहीं ये पार्ट टाइम जॉब तो नहीं करने लगी है। गड़बड़? मुझे नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ होगी, बट चलो कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, मैं देखती हूँ। ठीक है मैम। पूजा, लंच टाइम हो गया, चले लंच करने? नहीं तुम जाओ, मुझे थोड़ा काम है बाहर। चल ठीक है, आ जियो। इसका पता लगाना पड़ेगा, ये रोज रोज लंच टाइम पे जाती कहाँ है? पूजा? यस मैम। जरा यहाँ आना, बैठो। तुम मुझे एक बात बताओगी, तुम ये लंच टाइम पर बाहर जाके क्या करती हो? वो मैम मैं बस, मुझसे ना झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लंच टाइम पर बाहर जाके पानी पी के क्यों आती हो? क्या है ये सब? मैम अभी कुछ टाइम से हमारी फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें, तो इस चक्कर में मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। इतना पैसा भी नहीं होता कि एक टाइम मैं खाना खा सकूं, बस पानी पी के अपना पेट भर लेती हूँ, कुछ खा नहीं पाती हूँ मैम। तो तुम वहाँ चोरी छुपे क्यों जाती हो? मैम क्योंकि यहाँ पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, सब खाना खा रहे होते हैं लंच टाइम में और मेरे पास कुछ भी नहीं होता है खाने के लिए, ना मैं बाहर से लाकर कुछ खा सकती हूँ, तो मैं बहुत बुरा लगता है उन सबको देख करके, इसलिए मैं पानी पीने बाहर चली जाती हूँ। पूजा कम से कम एक बार तुम मुझे तो इन्फॉर्म कर देती, अगर तुम्हारे पास खाने तक के पैसे नहीं थे, तुम यहाँ पे लंच नहीं करती हो, तुम बाहर जाकर पानी से अपना पेट भरती हो। हमारे ऑफिस के कैफेटेरिया में रोज कितना खाना वेस्ट होता है, तुम वहाँ जाके खाना खा सकती हो, क्या हम अपने एम्प्लॉयज़ के लिए इतना भी नहीं कर सकते? और अब से तुम हमारे कैफेटेरिया में ही लंच करोगी और तुम्हें वहाँ पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सच में मैम? हाँ, और अब से तुम्हें बाहर जाके पानी पीकर पेट भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। ठीक है, तुम जा सकती हो। अगेन थैंक यू मैम।